ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। रानू मंडल को क्या पता था, रेलवे स्टेशन पे भीख मांगते मांगते एक दिन ऐसा आएगा जो सिर्फ स्टेट लेवल ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में जानी जाएंगे, इंटरनेट की दुनिया में छा जाऊंगी। कहते हैं ईश्वर अल्लाह जब चाहे जिसे पल भर में उसकी किस्मत बदल दे, ये कोई नहीं जानता है। रानाघाट रेलवे स्टेशन पर एक गाना गाई जिस गाने का बोल है प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। ये गाने ने रानू मंडल को सुपरस्टार बना दिया और इस गाने को रिकॉर्ड करने वाले अतीन्द्र, जो 23 जुलाई को फेसबुक पर डाला था और उसके बाद इस गाने को सुनकर लोगों ने स्वर कोकिला से जानने लगे। यही नहीं, बॉलीवुड में एंट्री कर दी। पहला गाना भी हिमेश रेशमिया के साथ रिकॉर्ड किया है। रानू मंडल महिला की आवाज़ लता मंगेशकर से कम नहीं है और जिसने भी सुना दंग रह गया। लगातार एक के बाद एक गाने रानू मंडल ने गाई, सुरों से बात करती रातों रात सुपरस्टार बन गई। और उसके बाद उनकी 10 साल की खोई हुई बेटी भी मिल गई। बिछड़ी हुई बेटी भी रानू मंडल का वायरल वीडियो होते ही बेटी अपनी मां को पहचान गई। लेकिन अब रानू मंडल रानाघाट स्टेशन से सरेगामा पा बॉलीवुड के स्टेज पर जा पहुंची हैं। सपने में भी रानू मंडल ने नहीं सोचा होगा, लेकिन रातों रात सुपरस्टार बन गई। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये रानू मंडल की पहली तस्वीर है जो आप देख रहे हैं और ये अब दूसरी तस्वीर है रानू मंडल की। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।